झील दिखाया जाता है जहाँ पर तैंग सैन साओ को लेकर पहुँच चुका था। यहाँ पहुँचने के बाद तैंग सैन अपने फादर तैंग हाओ को देखता है जो पहले से ज्यादा यंग और हेल्दी दिखाई दे रहे थे, और फिर उनके बगल में तैंग सैन की माँ यानी कि यायन स्पिरिचुअल फॉर्म में उनके साथ खड़ी थी। तैंग सैन लगभग 5 साल के बाद अपने माता पिता को देख रहा था, इसी वजह से तैंग सैन बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और फिर उन दोनों के पास पहुंचकर रोने लगता है। ये देखकर तैंग हाओ और यायन उसे संभालते हैं और उसे रोने के लिए मना करते हैं। आयन अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से तैंग सैन को सहारा देती है। अब फाइनली तैंग सैन अपने फादर यानी कि तैंग हाओ को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। ये देखकर अब तैंग हाओ भी अपने दाहिने हाथ से तैंग सैन को गले लगा लेता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे सांत्वना देता है और उसे शांत कराता है। बाप बेटे का प्यार देखकर अब आयन भी उन दोनों को गले से लगा लेती है। इसके बाद तैंग सैन नॉर्मल हो जाता है और कहता है, मॉम डैड मुझे एक जरूरी काम करना है, जैसे ही ये काम खत्म होगा हमारा परिवार फिर से एक संपूर्ण परिवार बन जाएगा। अब जब तैंग सैन अपने माता पिता को शावु को पुनर्जीवित करने के बारे में बताता है तो पहले तो वे दोनों चौंक जाते हैं और फिर उसके बाद अपने बेटे की हिम्मत के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तैंग हाओ और आयन को तैंग सैन पर गर्व महसूस होता है कि तैंग सैन उनका बेटा है। इसके बाद तैंग सैन सीनियर बोजैक जी के बातों को याद करता है। हेड फ्लेमन बोजैक जी तैंग सैन को सिगोर्ड आइलैंड छोड़ने से पहले ही शावु को पुनर्जीवित करने का सबसे बेस्ट तरीका बता देती है, जिससे कि तैंग सैन शावु को पुनर्जीवित भी कर ले और उसकी सोल पावर भी कम ना हो। इस ट्रेलर में सीनियर बोजैक जी तैंग सैन से कहती है कि सोल रिंग को जबरन अलग करने का जोखिम स्वाभाविक रूप से अच्छा है, पर एक बार सोल रिंग ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद ये तुम्हें भारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब तुम्हारे पास सिगोर्ड लाइट और सिगोर्ड का ट्राइडेंट दोनों है, जिसकी मदद से तुम्हारी मुश्किलें बहुत हद तक कम होने वाली है। अब इसके बाद अगले सीन में तैंग हाओ तैंग सैन से पूछता है कि क्या वो सच में शावु को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। अब तैंग सैन शावु को लेकर फायर एंड आइस के झील में उतरने लगता है। अब हमें तैंग सैन का एक मेंटल वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसमें तैंग सैन के सोल रिंग अलग होने के दौरान तैंग सैन के खुद की आत्मा में जो उथल पुथल होगा उसे दिखाया गया है, जिसमें एक एक सोल रिंग को अलग करने के दौरान उसके बॉडी को जो दर्द महसूस होगा उससे उसकी आत्मा को भी उतना ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा। इसके बाद अगले सीन में तैंग हाओ तैंग सैन से पूछता है कि क्या वो सच में शावु को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। अब तैंग सैन शावु को लेकर फायर एंड आइस के झील में उतरने लगता है और शावु से जुड़ी पुरानी यादों को याद करने लगता है और फिर बेहोश पड़ी शावु की ओर देखते हुए कहता है कि शावु, जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन गई थी। इसके बाद हमें शावु के हाथ में उसका सोलबोन दिखाई पड़ता है, यानी कि एपिसोड 212 में ही दामिंग और अर्मिंग खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे और तैंग सैन को अपनी अपनी सोल रिंग और सोल बोन दे देंगे, जिसमें से दामिंग का सोल बोन शावु के सोल बोन को रिप्लेस कर देगा और तैंग सैन शावु के सोल बोन को उसे पुनर्जीवित करने के दौरान वापस लौटा देगा। अब तैंग सैन धीरे धीरे फायर एंड आइस के झील के अंदर जाने लगता है और फिर यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये ट्रेलर समझ में आया होगा और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए नाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।